नस के रोग, नसों की कमजोरी, नसों के दबने, नर्व पेन का सॉलिड इलाज। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे को बनाने की विधि के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर की सभी बंद नसों का इलाज कर सकते हैं और नसों की कमजोरी को भी सही कर सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से पेट से लेकर दिल तक का आपके शरीर का हर रोग सही हो जाएगा और आप बिल्कुल निरोगी बने रहेंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यदि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है तो डायबिटीज के रोगियों के लिए भी ये नुस्खा एक वरदान है। यदि दोस्तों आपको पाचन तंत्र से जुड़ा कोई भी रोग है, जैसे आपको कब्ज की समस्या रहती है या आपके पेट में गैस रहती है या आपको एसिडिटी की समस्या है, तब भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान है और आपकी इन सभी समस्याओं का इलाज करता है, आपको इन सब तरह के रोगों से बचाता है। दोस्तों, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपनी इस कोलेस्ट्रॉल की समस्या से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं और आपके दिल के बंद नसों को भी खोलना चाहते हैं, तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान है और आपकी हार्ट की सभी बंद नसों को खोलकर आपके हार्ट को मजबूत बनाने का काम करता है। दोस्तों, ये नुस्खा आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपके मोटापे को कम करने का काम करता है, आपकी पेट की चर्बी को मक्खन की तरह और बड़ी तेजी से पिघला देता है। इसके साथ में जो सबसे मुख्य बात है, ये आपके शरीर की सभी नसों की कमजोरी का भी इलाज करता है और आपके नसों की कमजोरी को इलाज करके आपके शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाता है, आपको हर तरह की बीमारी से बचा कर रखता है। और दोस्तों, इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों कद्दू के बीज। दोस्तों, कद्दू सुनते ही हमें हंसी आ जाती है। अक्सर मोटे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए और छोटे बच्चों को हम प्यार से कद्दू कह देते हैं। दोस्तों, इसे कांसी फल भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते और ये कोई महंगी सब्जी भी नहीं है कि हम इस सब्जी पर विशेष ध्यान दें। लेकिन दोस्तों, प्रकृति ने अपनी इस गोल मटोल देन में वो हर औषधीय गुण समाया है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है और यदि हम निरोगी रहना चाहते हैं तब आपने इसका सेवन करना ही करना चाहिए। दोस्तों, आप इस कद्दू के प्रयोग से पेट से लेकर दिल तक के अपने सभी तरह के रोगों का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपकी डायबिटीज की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। और दोस्तों, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इस नुस्खे का सेवन करता है तब उसको जीवन में कभी इस डायबिटीज की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो इस बीमारी से हमेशा बचा रहेगा। दोस्तों, आपको कभी कैल्शियम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी हड्डियां वज्र के समान मजबूत बन जाएंगी और यदि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी तब आपको शरीर का कोई भी दर्द नहीं होगा, हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई भी दर्द नहीं होगा, आपका पेट सही होगा तब आप बहुत तरह के रोगों से बच रहेंगे। दोस्तों, ये नुस्खा आपके शरीर में खून की गंदगी को साफ करने का काम भी करता है, आपके खून से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जिससे आप 150 तरह के रोगों से बचे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपने कद्दू के बीजों का प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों, पहली बात तो कद्दू के बीज आपको बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं या मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपने इन बीजों का प्रयोग करना कैसे। दोस्तों, इसके लिए जो आपको मुख्य सामग्री चाहिए, मुट्ठी भर ताजा कद्दू के बीज। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने 2 गिलास पानी लेना है और 2 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है। अब आपने इसमें मुट्ठी भर ताजा कद्दू के बीज डालने हैं और अच्छी तरह से धोकर साफ कर आपने इसमें डालने हैं और इनको उबलने देना है। 5-4 मिनट उबलने के बाद आपने गैस को बंद कर देना है और इन बीजों को अच्छी तरह से मसल देना है और मसलने के बाद फिर इनको आपने 5 मिनट तक उबालना है और जब ये ऐसे उबल जाए तब आपने गैस को बंद कर देना है और इनको आपने बिना छाने गिलास में डालकर ऐसे ही सेवन करना है जैसे कि ये हम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ऐसे ही सेवन करना है और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके शरीर के बहुत तरह के रोग अपने आप ही सही हो जाएंगे, आपको कभी इन तरह के रोगों का कभी जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत तरह की बीमारियों से बचेंगे, आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा।
तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी अपने घर पर आज ही इस नुस्खे को बनाएं और इसका प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।